तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और एक बार फिर से मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस कि पीछे की तरफ हमारे भाई भी आपको हाई कह रहे, तो आप उसकी एक्शन देख ही पा रहे हो। तो कोई बात नहीं है गाइज, तो मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो आज की वाली वीडियो में बेसिकली मैं गाइज हम लोग ने सोचा कि यार हमको खाने की तो ज़रूरत पड़ेगी। आप इन्वेंट्री के अंदर देख पा रहे होगे कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो गाइज जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आधा घर छोड़ा हुआ था, और मैंने आपको बोला भी था कि मैं ऑफलाइन के अंदर अपने घर को एकदम फर्स्ट क्लास मतलब झकास बना दूंगा। तो कोई बात नहीं गाइज, तो मैंने अपने वाले ये घर आप पीछे की तरफ देख ही पा रहे हो कि मैंने एकदम फर्स्ट क्लास मतलब एक डिज़ाइन जैसा मस्त बना दिया है। और मेरे से तो जितना अच्छा हो पाया मैंने कर दिया गाइज। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए गाइज। तो कोई बात नहीं है गाइज, तो आज की वाली वीडियो का बेसिकली हमको खाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये गाइज अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक घर की तरह मस्त दिख रहा है। तो गाइज अंदर की तरफ भी मैंने बहुत सारा मतलब कुछ काम तो किया नहीं है, छत ही बनाई थी, तो इतना चेस्ट वेस्ट रख दिया था। और मैं ऑफलाइन के अंदर हम लोग माइनिंग करने के लिए गए थे गाइस। तो यहाँ पे मेरे को आयरन की ज़रूरत थी और शेयर मैंने लिया था क्योंकि मेरे को वो लीव्स लगाना था, इसलिए हमने ऑफलाइन में भी थोड़ी सी माइनिंग की थी। और गाइस यहाँ पे चेस्ट के अंदर मेरे पास नहीं था वुड, और हमको चाहिए बहुत सारा वुड क्योंकि हमको मतलब आज ही मतलब मॉब का फार्म चाहिए और फूड फार्म, बेसिकली फूड फार्म चाहिए। तो यहाँ पे फटाफट से मेरे को वुड की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपने वुड को काटने के लिए आ गया था गाइस। तो मैं फटाफट से काट लेता वुड। तो जैसे कि गाइज आप लोग ने देखा कि मैंने बहुत सारा वुड काटा था, और मेरे पास ही बहुत सारा इनफ मतलब जितना मेरे को चाहिए उतना मेरे पास वुड हो चुका था गाइज। तो यहाँ पे मैं घर के अंदर आ चुका था, और यहाँ पे मेरे को बनाना था स्टिक बनानी थी। यहाँ गाइज मेरे को स्टिक की ज़रूरत है, पहले तो हमको मतलब फेंस बनाने के लिए स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने बहुत सारी स्टिक बना ली। मैं दो तरह का वुड लाया था, एक बर्च का और एक ओक का। तो मेरे को बर्च का दो फेंस गेट चाहिए था, इसलिए मैं बर्च का भी वुड थोड़ा सा काट के लेके आया था, उसकी मैंने स्टिक बना ली। तो बाद में मेरे को ओक का मेरे को फेंस चाहिए। तो पहले हम ओक का जो लोग है हमारे पास उससे हम प्लैंक बना लेंगे बहुत सारे। तो ये मैंने बहुत सारे प्लैंक बना लिए गाइस, और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे प्लैंक हो चुके हैं। और इसके बाद मेरे को फेंस बनाए, तो मेरे पास 51 फेंस हो चुके गाइस। आई थिंक इतने में हमारा इनफ हो जाएगा गाइज। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि राइट की तरफ मैं अपना ये फार्म बनाने वाला हूँ गाइज। और आप सामने की तरफ उस तरफ घर के हमारे उस तरफ भाई अपना जो फूड फार्म है मतलब वीट फार्म है वो बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ मैं फटाफट से अपना ये वाला फार्म को कंप्लीट कर देता हूँ गाइज, बॉर्डर बना देता हूँ। और गाइज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइज कि यहाँ पे मैंने अपना पूरा का पूरा फार्म का दोनों जो लेयर है वो मैंने बना दिए। मतलब ये यहाँ एक तरफ मेरे को काव रखना है और दूसरी तरफ मेरे को सीप रखना है। तो गाइज यहाँ पे हम काव लाने वाले हैं और दूसरी तरफ सीप लाने वाले हैं। तो ये वाली जगह मेरे को बहुत अच्छी लगी और बहुत ही मस्त बना दी। और यहाँ पे मैं फिर से अंदर आ चुका था गाइज क्योंकि यहाँ पे मेरे को चाहिए था बोन मिल, और बोन मिल मैंने क्यों लिया, बोन लिया था। और यहाँ पे मेरे पास जितना फालतू सामान था मेरे पास जो भी वुड था मैंने ये चेस्ट के अंदर रखवा दिया था क्योंकि इसको मेरे को अब ज़रूरत नहीं थी, वो वुड की मेरे को अब ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसको भी अंदर रखवा दिया। और मेरे को ये एप्पल मेरे पास पड़ा था। तो उसके बाद मेरे को ये यहाँ पर बनाना था बोन मिल। और गाइज इस तरफ जो भाई हमारा फूड का फार्म बना रहा है वो फूड का फार्म इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि फूड की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एनिमल को पकड़ने के लिए हमको वीट की ज़रूरत है। तो वो वीट का फार्म बड़े भाई बना रहा था। तो यहाँ पे मैं बोन मिल से उसको बड़ा करने के बाद उसको यूज़ करने के बाद हमको यूज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई काम कर रहा था, और दो मुर्गी भाई के पास एकदम पास में आके खड़ी थी, और भाई ने कहा कि यहाँ से हट, तो मुर्गी ने क्या कहा गाइस, नहीं। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि एक थप्पड़ खाने के बाद मुर्गी यहाँ से भाग गई। तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे भाई को और मुर्गी को साथ रहने देते, और मैं भाई को कहा भाई अब छोड़ दे अंदर आ जा। तो मैं यहाँ पे अंदर आके फिर यहाँ पे दरवाज़ा बन के मैं सो गया गाइज। और गाइज सुबह उठने के बाद मतलब आपको गुड मॉर्निंग कहना तो भूल ही गया। तो गाइज सुबह उठने के बाद मैं यहाँ पे यहाँ दो ज़ॉम्बी जल रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको जलना
ज़्यादा नहीं चाहिए, और मैंने उसको मार दिया गाइस। और यहाँ पे भाई हमारे भाई का भाई ने पूरी नाइट मतलब मजदूरी की यार, क्या सॉरी गाइस, थोड़ा सा मजाक हो गया। तो यहाँ पूरी नाइट तो कौन काम करेगा, मतलब यहाँ पे भाई का पूरा फार्म हो गया था कंप्लीट। तो यहाँ पे मैंने अपने वीट निकाल दिए, मतलब मेरे पास थोड़ा सा बोन मिल कम हो गया था, तो मेरे को एक ही वीट मिला यार। तो कोई बात नहीं गाइज, हमको एक ही चाहिए, ज़रूरत है हमको काव और सीप लाने के लिए, एक ही ज़रूरत होती है। इनको खिलाएंगे नहीं यार, उसको सिर्फ लालच दे के लाना ही तो है। तो अपने फार्म के लिए वो एक ही मतलब वीट की ज़रूरत है, तो ये वीट हमारे पास आ चुका है गाइज। तो यहाँ पे हमने अभी तो अभी के लिए तो काव और सिप का फार्म बना दिया है गाइज। तो यहाँ पे हम भाई के पीछे एक क्रीपर पड़ चुका था, तो यहाँ पे मैंने ये क्रीपर को हमने जो को कल हमको परेशान किया था, तो हमने सोचा कि ये क्रीपर को आज तो मारना ही है, छोड़ना नहीं। तो ये हम दोनों भाई ने मिलके एक ट्रैप बनाया और क्रीपर हमारे पीछे ऐसे पड़ गया, और क्रीपर को हमने दोनों ने मिलके बहुत ही कूटा है गाइज। आप देखिए गाइज अभी क्रीपर का क्या हाल हुआ, गजब बेइज्जती है। तो गाइज हम दोनों ने मिलके क्रीपर को मारा, और क्रीपर भी सोच रहा होगा कि यार किसके पल्ले पड़ गया, दोनों ने मिलके मारा है मेरे को फटने का भी मौका नहीं दिया गाइज। तो कोई बात नहीं है गाइज, ये इतना तो चलता रहेगा, और क्रीपर से तो हमारी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो हमारा यार कहीं पे भी यार क्रीपर फट जाता है तो हमारा दिमाग ख़राब करके चला जाता है, पूरी जगह को बिगाड़ के चला जाता है। और गाइज मैं यहाँ पे अपने वीट को लेकर आ चुका था, और यहाँ पे मेरे पास दो काव हो चुकी थी गाइज, तो यहाँ पे मैं तीसरी काव भी मेरे को मिल चुकी थी। तो ये इसको फटाफट लेकर हम फार्म पे चलते हैं गाइज। और गाइज आप यहाँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइज, यहाँ पे मैं तीन काऊ को यहाँ पे फार्म पे लेके आ चुका था गाइज, क्योंकि हमारे पास अभी वीट नहीं है, तो इसको मैं ब्रीडिंग नहीं करवाने वाला, और अभी हमको चाहिए यहाँ पे सीप। तो भाई हमारा जो है वो सीप को लाने के लिए गया है, तो यहाँ पे भाई सीप लेके आ चुका था, और उसने मेरे को बोला कि भाई हमको ये दो एनिमल नहीं, मतलब ज़्यादा ही में एनिमल हम रखते हैं अपने फार्म के अंदर, तो हमारे पास चार मॉब होते गए जिससे हमको खाना मिल सकता है, मतलब खाना भी मिल सकता है और चीज़ भी मिल सकती है। तो यहाँ पे मैंने फार्म को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास होता है सीप, जो सीप को मारने से हमको मिलता है वूल और मीट मिलता है गाइज। तो हम गाय को मतलब गाय ये मतलब काऊ बोलेंगे, काऊ या गाय दोनों एक ही है, तो काऊ को मारेंगे तो हमको मिलेगा लेदर बराबर, तो दो चीज़ मिलती है तो इससे। और हमको चिकन को मारेंगे तो चिकन से हमको मिलता है फेदर और चिकन बराबर, तो चिकन को मारेंगे तो चिकन मिलेगा ना, तो फीदर का तो हम एरो बना सकते हैं, तो ये तीन चीज़ ऐसी है। पर पिक को मारेंगे तो हमको खाना ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े से फैंस कम हो गए थे, तो यहाँ पे मैं घर के अंदर आया था, मेरे को थोड़े से फैंस की ज़रूरत पड़ गई थी, तो मैं फैंस बनाने के लिए अंदर आ गया था और स्टिक की। और यहाँ पे एक बात की हमको बहुत ही खुशी है गाइज, क्योंकि हमारे पास आजू बाजू में बहुत सारा जंगल है, तो हमको वुड की तो कभी कमी होने वाली नहीं है, और मेरे को वुड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइज जो भी है, कोई मेरा थोड़ा सा काम अधूरा था, तो मेरे को काम ख़त्म करना था, तो यहाँ पे मैं यहाँ थोड़ा सा मेरा यह फेंस लगाना बाकी रह गया था। तो यहाँ पे हमारे पास पूरे चार तरह के मॉब आने वाले हैं गाइज। तो इतना हो जाने के बाद मैंने यहाँ सोचा कि इनके लिए भी एक गेट बना दिया जाए, तो मेरे पास गेट पड़ा है, हाँ एक गेट पड़ा है, तो मैंने यहाँ पे भी एक गेट बर्च का लगा दिया गाइज। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा फार्म हो गया था कम्प्लीट। तो यहाँ पे हमारे पास अभी के लिए तीन मोब, मतलब तीन मोब आ चुके नहीं, हाँ तीन मोब, एक पिग है हमारे पास, वो भाई लेके आ गया था और उनको सिप के साथ रख दिया था पिग को, तो ये वाला पिग हमारे पास आ चुका था, और ये पिग अकेला ही है। इनको माइनक्राफ्ट के अंदर पिग को ज़्यादातर अपनी साथीदार नहीं मिलती है, तो कोई बात नहीं है गाइज, इसके साथीदार भी हम लाएंगे और इनकी भी फैमिली बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं है। अभी हमारा वीट भी ग्रो हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा भाई का जो बनाया हुआ फार्म है, तो ये वाला फार्म आपको पसंद आया है तो हमारी भाई की तरफ से यार मैं आपको बोलता हूँ कि आप लाइक कर देना यार हमारे भाई के फार्म को, और मेरा वाला फार्म भी आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। और गाइज आज की वाली वीडियो में इतना ही रखेंगे गाइज, आज की वाली वीडियो में बस इतना फार्मिंग का काम करते हैं, अगली वाली वीडियो के अंदर हम कुछ ज़्यादा ही अच्छा करने वाले हैं। तो गाइज आज की वाली वीडियो आपको कैसी लगी है गाइज, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो में तो आप लाइक कर ही देते हो गाइज, और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करना मत भूलना गाइज। तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, और सामने हो रहा है सनसेट, तो आप सनसेट का मज़ा लिए,
और मिलते हैं अगली माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।